आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इनकी कोलेब्रेशन आई है, इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि राजन हमें आपके साथ कोलेब्रेशन करनी है। आई फील ब्लेस्ड क्योंकि होता पता क्या है, हमारी जो जिंदगी है ना, उस जिंदगी में हम हर रोज़ कुछ नई प्रॉब्लम्स, कुछ नए स्यापे से डील कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से जो स्यापा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, वो ये चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी के एल लगे पड़े हैं, मुझे नींद बहुत आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया हूँ। Hey guys, what's up? How are you all doing? And welcome to the another vlog of Rajan Beer Singh Luthra. I was not supposed to make this vlog today. मुझे एक्चुअल में कल शूट के लिए जाना था, तो मैंने सोचा था कि कल व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, बट मुझे आपको आज मेरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लाइव चली जानी थी जो हम लास्ट व्लॉग में शूट करके आए थे। तो मुझे ये था कि वो पोस्ट लाइव जाते ही मैं आपको एक व्लॉग दे दूँ कि मुझे आया क्या था, ताकि आपको भी खुशी मिल जाए कि राजन लूथरा ने हमें व्लॉग में खुल के बता दिया कि ये कैसे हुआ, कब कोलैबोरेशन आई, और मुझे भी हो जाएगा कि यार मैंने आप लोगों से एक बात कर ली, एक अच्छे से बात हो गई हमारी। तो आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि मुझे वो इतने बड़े बॉक्स में क्या आया था, कब आया था और किसने भेजा है, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। बाय द वे, मैं जस्ट अभी एक टेक वीडियो अपने टेक चैनल के लिए रिकॉर्ड करके फ्री हुआ हूँ। इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी सारी, तो मैं यहाँ से थोड़ी थोड़ी पढ़ के अभी, क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दैट वे, बट हम सीख रहे हैं। तो आपको टेक चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने एक टेक चैनल पे और वीडियो डाल दी है IQZ3 की, डिटेल्ड वीडियो, रिव्यू वीडियो, वो भी जाके देखना। यहाँ कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखना। और मेरा वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि उस पर बहुत सारी टेक वीडियोज़ आए दिन मिलती रहेंगी आपको। और जो मैं वीडियो आज डालूंगा, जो आज डलेगी वीडियो, वो देखना मत भूलना, क्योंकि वो वीडियो दी बेस्ट है और आपकी प्राइवेसी के ऊपर है, आपको वो देखनी बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बॉक्स दिखाते हैं। पहले तो ये हमको यार किसी ने प्रेस भेजी है, ये जो आयन होती है, ये किसने भेजी है? यहाँ लिखा हुआ है, हेलो राजन बीर, दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम ग्लोबल डिजिटल्स, थैंक यू ग्लोबल डिजिटल्स फॉर सेंडिंग दिस आयन। मेरी मम्मी को बहुत पसंद आएगा आपकी इस स्त्री से, स्त्री कहते हैं इसको हिंदी में, तो को स्त्री कहते हैं, स्त्री से कपड़े स्त्री करने में। आई होप आई गॉट इट राइट। एनी हाउ, इसको साइड पे रखते हैं और अब आता है हमारा ये मेन बॉक्स। ओए टू मच भारी। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और शुरू करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। मंकी, ये जो आपको इतना बड़ा बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में एक्चुअली आया क्या है, आपका सस्पेंस अब तोड़ देते हैं। तो पहले हम इसको आराम से खोलते हैं। किस साइड से? इस साइड से नहीं, हाँ इस साइड से खुलेगा। 3, 2, 1 और ये हमें आया है नोकिया की तरफ से, वही नोकिया जिसका आप सांप वाली गेम खेलते थे, वही नोकिया, जी हाँ। तो ये हमें इतना बड़ा बॉक्स नोकिया ने भेजा है, और इस बॉक्स के अंदर क्या है अब आपको वो दिखाता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इस फ्लोर के ऊपर ही आपको दिखा दूँ, बट आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे ये शीट रख लूँ, ताकि आपको अच्छा लगे और आपका ध्यान सिर्फ फ़ोन की तरफ रहे, कहीं और डाइवर्ट ना हो। ओके, तो चलिए आप शुरू करते हैं। दिस इज़ द होल बॉक्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम वन एंड ओनली नोकिया, और यहाँ पे लिखा है लव इट, ट्रस्ट इट, कीप इट। ओके, आई विल कीप इट। जैसे हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, टडां, और इसके अंदर हमें एक ऐसा पेपर मिलता है जिसके ऊपर अगेन लिखा है लव इट, ट्रस्ट इट एंड कीप इट। ओके, इसको साइड पे रखते हैं। ये सामान हमें बॉक्स के अंदर मिलता है, अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मिलेगी, दैट्स इट, आपको ये बॉक्स मिलेगा फ़ोन का, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें यूट्यूबर्स को लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ये सिर्फ स्पेशल चीज़ें उनको मिलती हैं एज अ गिफ्ट। तो आपको सिर्फ ये यूनिट मिलने वाला है अगर आप बाय करने वाले हैं ये नोकिया का फ़ोन। और ये जो बाकी चीज़ें आई हैं, पहले मैं आपको फ़ोन दिखा देता हूँ। तो नोकिया ने जो हमें फ़ोन भेजा है वो फ़ोन है नोकिया G20। इसको साइड पर रखते हैं और ये जो चीज़ें आई हैं वो देखते हैं। पहले ये लिखा हुआ है लव इट। ओके, आई विल लव इट, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। इसको ओपन करते हैं तो ओह माय गॉड, इसके अंदर हमें कुछ कुकीज़ मिल जाती हैं दिल की शेप में, मतलब हमारा दिल आपके पास है नोकिया, बचपन से, जब से आपने वो 3310 निकाला था तब से हमने आपको दिल दे दिया था। तो ये बॉक्स निकलता है, एक इसके ऊपर लव इट लिखा है, दिस इज़ द अनदर बॉक्स, ये लिखा है कीप इट। ओके, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें मिलता है एक फ़ोन स्टैंड। ओके, इसके ऊपर हम अपना
फ़ोन रख सकते हैं लाइक ऐसे करके, इस तरह से हम अपना फ़ोन इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। नाइस। और जो लास्ट चीज़ इस बॉक्स में आती है वो है ये, इसके ऊपर लिखा है ट्रस्टेड। तो इसके अंदर हमें मिलता है एक यूवी सैनिटाइजेशन मशीन। इसके साथ आप अपना फ़ोन सैनिटाइज कर सकते हैं और यूवी रेज से ये काफ़ी अच्छी सैनिटाइजेशन करता है। मैंने इसके बारे में नेट पे पढ़ा था बट आई एम ग्लैड कि मुझे आज ये आ गया, सो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। और दैट्स इट, इस बॉक्स में और कुछ नहीं है, इसको उठा के साइड रखते हैं। अब आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ जो है अपना ये नोकिया। अब ये जो अपना प्रोडक्ट है हम इसको ओपन करते हैं। वैसे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर ली थी क्योंकि मुझे शूट करना था। तो कुछ इस तरह से ये बॉक्स खुलता है और इसके अंदर सबसे पहले ऊपर अपने को फ़ोन मिलता है। फ़ोन को उठाएंगे तो कुछ इस तरह से फ़ोन की ये रैपर निकल जाता है और दिस इज़ द मेन फ़ोन विच यू विल गेट। ये ब्लू कलर है, पीछे मैट है जो कि बिल्कुल ही अच्छा है और ग्लॉसी नहीं है, ग्लॉसी पे फिंगरप्रिंट्स काफ़ी आते हैं। और कुछ इस तरह की इसकी डिस्प्ले है और यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है नोकिया। वाटर ड्रॉप नॉच है, ये ऊपर कैमरा दिया हुआ है। लेट्स सी और क्या क्या आता है अपने को बॉक्स के अंदर। इसके साथ ही अपने को एक ट्रांसपेरेंट अच्छा कवर मिलता है अच्छी क्वालिटी का विद द ब्रांडिंग ऑफ नोकिया। यहाँ पे नोकिया लिखा हुआ है। यूएसबी सी टू यूएसबी ए केबल मिलती है और एक ये छोटा सा 10 वॉट का चार्जर। मतलब यहाँ पे नोकिया आपने कंजूसी क्यों की, क्यों की कंजूसी, थोड़े से पैसे और दे के मोटा चार्जर दे देते यार। चलो इन सबको साइड पर करते हैं। और तो ये जो फ़ोन है ये नोकिया ने हमें भेजा है। तो ये जो फ़ोन है ये नोकिया का छोटा सा पिद्दू सा ब्लू कलर का फ़ोन है। ये फ़ोन मात्र 14,999 रुपीस का है और ये फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन पे अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। 26 से 27 जून के अंदर, जुलाई के अंदर लेंगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट में मिलेगा, अगर उसके बाद लेंगे तो फुल प्राइस पे मिलेगा। तो ये मेरी सजेशन है कि जब ये व्लॉग लाइव जाए तभी भागो अमेज़ॉन पे और बाय करो, क्योंकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको खुशी होगी जब डिस्काउंट पे मिलेगा। ये फ़ोन 64GB रोम और 6GB रैम के साथ आया है। मुझे एक बार देख लेने दो, रैम 6GB है ना, मैं बकवास कर रहा हूँ, बाद में पता चले रैम कम है तो सही है, मैं सही बोल रहा हूँ। 64GB रोम और 6GB रैम के साथ अपने को मिला है। ये फ़ोन की बैटरी 5050 mAh है जो कि बहुत ही बड़ी बैटरी है, बट एक ड्रॉबैक यह है कि जो इन्होंने छोटू सा चार्जर भेजा उस चार्जर के साथ इसको चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो एक दुविधा है। इसके अलावा इसकी 6.2 इंच की डिस्प्ले है जो कि काफ़ी बड़ी है और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पावर बटन में आपको देखने को मिलेगा जो बहुत बाकमाल वर्क करता है। हालांकि मैंने इसको बूट अप करके सिर्फ एक बार यूज़ किया है शूट करते टाइम, बाकी मैंने इसको शूट नहीं किया, बाकी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने रख दिया था डाल के। तो ये बस आपको दिखाने के लिए दोबारा अनबॉक्सिंग किया है, इसको दोबारा मैं बॉक्स करके बंद करके रख दूंगा क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि इस फ़ोन का मैं गिव अवे कर दूंगा, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ना ही मैं यूज़ करने वाला हूं। मेरे पास पहले ही आपको पता है एक वीवो का फ़ोन आ चुका है, एक सैमसंग का आ चुका है, तो ऑलरेडी मेरे पास 3 फ़ोन है, एक मेरा आईफोन है, तो मैं ये चौथा फ़ोन यूज़ करके क्या करूँगा। तो आई एम थिंकिंग के जैसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे 400K होते हैं मैं इसको वहाँ गिव अवे कर दूंगा, और यहाँ जब 10K हो जाएंगे यूट्यूब पे तो यहाँ कुछ और गिव अवे कर देंगे। आई एम नॉट श्योर कि मैं गिव अवे कब करूँगा, बट आई एम दिस मच श्योर कि मैं गिव अवे कर दूँगा, क्योंकि जो पुराना गिव अवे है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी कुछ दिन में डिस्पैच हो जाएंगे, तो उसके बाद मुझे गिव अवे अनाउंस करना है एक और ऐसे गिव अवे अनाउंस करते करते सोच रहा हूँ कभी इसका भी गिव अवे कर ही दूँगा। मैं इतने फ़ोन्स यूज़ करके क्या ही करूँगा, आपको मिल जाएगा तो आप यूज़फुल हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए तो ऐसे घर पर ही पड़ा रहेगा। सो विद दिस मुझे आपको बस इतना बताना था कि आपके राजन लूथरा के पास ये एक नोकिया के फ़ोन का कोलैबोरेशन आया था, जो कि नोकिया एक बहुत अच्छी कंपनी है। बचपन में जितने भी 90s किड्स हैं उन सब ने नोकिया के फ़ोन यूज़ किए होंगे, सांप वाली गेम भी खेली होगी, और पर्सनली मैंने नोकिया के बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए हैं एंड आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इनकी कोलैबोरेशन आई है। इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि राजन हमें आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है, आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि होता पता क्या है, इट्स बिन मोर देन 7 ईयर्स आई एम हसलिंग एंड 7 साल हो गए मुझे इंस्टाग्राम पे काम करते हुए एंड 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पे ऐसे ब्लॉग्स आपको देते हुए, और जब आज मुझे इतने रिजल्ट्स दिखते हैं कि हाँ आई एम ग्रोइंग, आई एम डूइंग गुड, तो आई फील ब्लेस्ड कि हाँ यार राजन मेहनत काम आ गई, मेहनत अपनी रंग ला रही है, मेहनत अपनी आगे जा रही है, हमें आगे बेनिफिट हो रहा है, तो इट फील्स ब्लेस्ड। तो मैं आपको यही कहूँगा, मैंने काफ़ी बार मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि राजन तुम क्विट कर दो क्योंकि शायद कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा यूट्यूब, आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है बट यूट्यूब इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैंने कभी सोचा था कि शायद यूट्यूब क्विट कर दूँ,
पर एक टाइम था जब इंस्टाग्राम भी ग्रो नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा था इंस्टाग्राम क्विट कर दूँ, तो मैंने दोनों चीज़ें नहीं क्विट की और ये उसके आज रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप सब मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब पे देख ही रहे हो रिजल्ट्स। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, नेवर क्विट, नेवर एवर फील कि तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। तुम सब चीज़ कर सकते हो, जस्ट इसको ट्रेन करना सीखो। सो विद दिस आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ये एक सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डेडिकेटेड ब्लॉग था। एंड अगर आपको अच्छा लगा यार, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, जो तुम्हें भी ये चीज़ कहते हैं, उनको दिखाना कि ये बंदे के भाई बहुत लोगों ने बोला था कि कुछ हो नहीं सकता, आज बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए ऐसे व्लॉग्स मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि आपको ये चीज़ फील कराऊँ कि राजन लूथरा देखो कितना बड़ा बन गया, नहीं। ऐसे व्लॉग्स सिर्फ इसलिए बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि अगर राजन लूथरा ये चीज़ अचीव कर सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है, तो यू कैन ऑल्सो डू इट। मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं, बहुत खराबियाँ हैं। मैं फ़िज़िकल भी कोई इतना बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, कुछ इतना अच्छा हल्क नहीं हूँ, कोई बाकी लड़कों जैसा हॉट नहीं हूँ, बट स्टिल आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू दिस। तो आई वॉन्ट यू टू कीप दैट कॉन्फिडेंस इन यू ऑल्सो, एंड यू कैन से कि आई कैन डू इट, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो येस, यू कैन डू इट। येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। विद दिस आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। लव यू सो मच एंड खड़काक। Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose, I till I hiccup.